हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। जैसे कि आप लोगों को तो हमारे पहले वाले एपिसोड में पता ही होगा कि हमने अपने पहले वाले एपिसोड के अंदर अपने गैस स्टेशन के ऊपर पेंट वेंट सारा काम कर दिया था, और हमने अपने गैस स्टेशन का रैक्स लगा दिया जिसके अंदर अपने चिप्स और कोक वोक हम अपना बहुत सारा सामान और ज़्यादा बेच सकते थे। बस बेच के इतने पैसे नहीं कमा सकते थे, हमको और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें लानी पड़ेगी। तो आज हम देखते हैं हमको आज क्या क्या करना है अपने गैस स्टेशन के अंदर। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। और उससे पहले आप अगर आपको वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। एक बात और, सबसे पहले आप जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर लो जाके आप मेरे को, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी जौन सी भी वीडियो में अपलोड करने वाला होता हूँ उसकी सबसे पहले हाईलाइट आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेगी। तो उसकी आईडी आपको यहाँ पर दिखी रही होगी। तो अब जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो। अब चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो हम अपने गैस स्टेशन में पहुँच चुके हैं। और अभी हमने गैस स्टेशन बंद कर रखा है, रात हो रही है, तो जल्दी से अपने गैस स्टेशन पहले ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आके जल्दी से अपना गैस स्टेशन ऑन कर लेते हैं। गैस स्टेशन ऑन हो चुका है, अपना ओपन आ चुका है लिखा हुआ, यस ब्लू लाइट जल चुकी है और ओपन आ चुका है। तो अब चलते जल्दी से अंदर चल लेते और अपने टास्क देखते हैं। और कुछ हमारे पे काम तो नहीं है, और देखते हैं हमारे पे पेट्रोल कितना हमको, क्योंकि भाई गैस भी अपनी चेक एंड टू एंड करनी पड़ती है। 135 लीटर्स पड़ा है अभी, तो बहुत है अपने पे, अभी तो हम पे बहुत ज़्यादा गैस पड़ी है, तो हमको अब इतनी ज़रूरत नहीं है गैस लेने की। तो अब चलो जल्दी से हम अपना टास्क देख लेते हैं, हमको अभी अपना टास्क कौन सा कम्प्लीट करना है। तो हमारा अभी सबसे पहला टास्क है फाइंड अ वे टू एंटर दी वेयर हाउस एंड ओपन दीज ओपन इट्स गेट्स। अच्छा, हमको पहले अपने वेयर हाउस के अंदर जाना है। तो आई थिंक सो वेयर हाउस हमारा पीछे है जिसपे अभी हम सो के आए हैं। तो ये अपना वेयर हाउस है, तो यहाँ पे हमको शायद अंदर जाना है। यहाँ से अंदर जाना है क्या? आगे से एक बार जाके देखते हैं यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं। नहीं, आई थिंक सो यहाँ से नहीं जाना, अपने को छोटे वाले गेट से जाना है जो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से चल के देख लेते हैं। वही खुल चुका अपना, आई थिंक सो यही अपना वेयर हाउस है। और हमको इसका भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी मच रही है, पहले हमको इसको साफ़ करना पड़ेगा। आई थिंक सो हम तभी इसको यूज़ कर पाएंगे। तब अब जल्दी से हम खोल लेते हैं अपना गैस स्टेशन। ओके, केयरफुल कीप योर वेयर हाउस गेट्स क्लोज दी अदरवाइज समवन मे स्टील फ्रॉम यू। अच्छा ओके, इसमें ये कह रहा है कि अपना वेयर हाउस को बंद ही रखना वरना कोई तुम्हारा सामान भी चुरा सकता है। इस गेम के अंदर चोरी भी हो गई। तो भाई देखते हैं क्या है। रिमूव दी हैशटैग फ्रॉम द मेक अ वेयर हाउस ऑपरेशनल अगेन। इसको क्या मैं अपने बैग से उठा सकता हूँ? ठीक से बैग से तो नहीं उठा सकता, हमको इसको उठा उठा के फेंक के आना पड़ेगा बाहर। पहले अपना वेयर हाउस यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हाँ भाई, जल्दी से मैं अपना वेयर हाउस को क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ। तो पहले हम जल्दी से चल लेते हैं अपने रजिस्टर और फ्यूल वाले बंदे को कम्प्लीट कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमको अपना काम भी करना है, सफाई करने में अपना सारा काम व्यस्त नहीं करना, ख़राब नहीं करना। पहले हम फ्यूल वाले को भेज देते हैं, फिर रजिस्टर वालों को देखते हैं। फ्यूल पे भी देख, पुलिस वाले आ रखे हैं, जल्दी से इनको दे देते हैं। हेलो सर, थैंक यू, थैंक्स। दे दिया सर को हमने फ्यूल। अब जल्दी से चलते हैं अंदर, रजिस्टर वालों को भी चेक कर। ग्रेट जॉब, थैंक यू, ग्रेट जॉब। जल्दी से आप भी आंटी जी, हम आपको भी जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। क्या क्या है जल्दी से दो, पेप्सी की बोतल, ये क्या है, सोया सॉस, ये क्या सिरका, सिरका भी रखते हैं। थैंक यू। और गाइस हमको अपने इनसे थम्स अप भी बटोरना है, क्योंकि जितना हमारे पे थम्स अप ये देंगे हमको उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा हमारा वो होगा, पॉपुलर होगा गैस स्टेशन। तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं, अब जल्दी से चलते हैं, पूरा वो क्लीन कर लेता हूँ मैं, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बोला हूँ। तो अब जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ मैं अब। लड़का आया, टुट्टू का लड़का आ गया, उसकी देख कुर्सियाँ पड़ेंगी, देख ड्राइंग बनाने वाला।
नाना करते हुए भी एक बिल्ली की शक्ल बना गया यार। भाई हमको भी सामान भी मंगाना है, यहाँ पे बिल्कुल सामान खत्म हो चुका है। थैंक यू। अब जल्दी से हम वो भी सामान फेंक देते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, हमने अपनी गार्बेज कलेक्शन वाले को भी बुला लिया और हमने अपना पूरा वेयर हाउस कंप्लीट क्लीन कर दिया। वैसे क्लीन तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, हमने को अभी काम करना था। ये भी कंप्लीट करे या नहीं, या हमने को शायद से अभी को अपने को तो कि ये भी कंप्लीट ही कर लेते हैं यार। ये तो हो ही जाना चाहिए, छोटा मोटा कूड़ा पड़ा है, इसको अपने पास ही रख लेते हैं उठा उठा के। से ज़्यादा कोई बड़ा कूड़ा नहीं है, कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा, तो रहने देते हैं। मोब का कुछ काम नहीं है, एम्प्टी कैन कुछ भी किसी का काम नहीं है, तो अब जल्दी से चलते हैं। भाई मैंने दो दो उसको मंगा लिया गार्बेज कलेक्शन वालों को गलती से, भाई ज़्यादा जानबूझ के नहीं। अब जल्दी से हमको अपने वेयर हाउस को रिस्टोर करना है। रिस्टोर का अपने पे आ रहा है, हो चुका है। ओ भाई आई थिंक अब हम और ज़्यादा सामान मंगा सकते हैं अपने गैस स्टेशन में। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं हमको क्या क्या मंगवाना है। ये पहले क्या देखना है, मेल भी आया आई थिंक सो, कोई गाड़ी की आवाज़ भी आई है। गार्बेज कलेक्शन वाला आया है, वो देख लेगा अपने पास। या पहले मेल पढ़ लेते हैं किसका मेल आया है। डिलीवरी, अच्छा हमने को भी सामान मंगाना हो सकता है ना। मेल देख के ख़त्म करते हैं तो हमने को और नहीं पढ़ना, बस मेल हम वैसे पढ़ते नहीं है। बस हम यहाँ पे तो नहीं पढ़ा भाई, उधर पढ़ा आगे जाके, उधर उधर भी पढ़ा है, उधर 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 उठा लिया। ओ भाई तो भाई शक्तियाँ हैं तो पूरी जगह को उठा के लेके गया। गलती से मैंने दो दो मंगा लिए थे और ये अपने आप चला जाएगा। ऑर्डर दी एडिशनल, वो क्लीन कर लेते हैं जल्दी से अपना पहले गैस स्टेशन, क्योंकि ये जो लोग आते हैं इनमें तमीज़ नहीं है, बाहर ही खाएंगे वहीं फेंक देते हैं। हमको गैस कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम कहीं भी नई जगह जाए तो हमको वो जगह को क्लीन कर रखना चाहिए। तब जल्दी से हम अपने गैस स्टेशन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। ज़्यादा वैसे कुछ है नहीं, ये झाड़ू पूजा तो नहीं का काम होता है। ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना, जैसे कोई हमने जैसे चिप्स विप्स खाया तो हमको उधर ही नहीं फेंक देना चाहिए, कहीं भी डस्टबिन देखे उधर फेंकना चाहिए। तो अब जल्दी से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। चल भाई जल्दी जल्दी हो जाओ, क्लीन पूरा क्लीन हो चुका है। क्या हम इसमें फ्लोर चेंज नहीं कर सकते? अब पहले रुक जाओ, फ्यूल ले लेते जाने को, क्योंकि हमको पैसे भी कमाने हैं भाई। ये बात नहीं कि हम बस काम करते रहे और हम पैसे नहीं कमा रहे अपने गैस स्टेशन पे। थैंक यू। अब जल्दी से हम देख लेते हैं हमको ऑर्डर करना है सामान पीसी से, क्योंकि हमारे पे जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो बिल्कुल भी इन रैकों के अंदर स्नैक्स वाले में और ये अपने ड्रिंक्स वाले के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है। सॉफ्ट ड्रिंक वाले में हमारा कुछ भी नहीं पड़ा। तो अब जल्दी से यहाँ से हमने अपना वेयर हाउस को रिस्टोर कर लिया है, तो अब हम इस तरह सामान रख सकते हैं अपने वेयर हाउस में। तो अच्छा ओके, यानी हमको इसके अंदर लिखा हुआ था कि हमको वही सामान ऑर्डर करना जिनके अंदर ग्रीन हो, क्योंकि हमको उसके अंदर प्रॉफिट मिलेगा, रेड वालों में हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा इतना। तो अब ग्रीन ग्रीन वाला कर लेते हैं, एक ही दे दो, वन सारा सारा थोड़ा थोड़ा मंगा लेते हैं कि हमको रखना ही है।
अपने पास सामान होना चाहिए, और ज़्यादा भी हमको ऐसा पता नहीं कि हमारे कस्टमर्स को कितना ज़्यादा क्या पसंद है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हमको चाहिए, हमने क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक का रख रखा है। देखो जैसे इसके अंदर रेड कलर की जो डॉट वाले हैं, इनके अंदर हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें भी रेड ड्रिंक वाला नहीं मंगाते। और आई थिंक सो अपना ये नहीं बिक रहा ज़्यादा, अपना एक ब्लू वाला बिक रहा, तो ब्लू वाले हम दो मंगा लेते हैं। तो हमको यहाँ पे आई थिंक सो कार्ट पे जाना है और प्रेस टी फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन। नहीं, ऑर्डर कैसे करते हैं, शिपिंग कार्ड ऑर्डर कैसे करना है गाइस। ओके आ तो गया, मेरे को बताओ कहाँ से ऑर्डर करना है। तो अपने कार्ट में ही तो आया ही है। अच्छा, वेयर हाउस में 200 का स्पेस है बस, यानी ऑर्डर कॉस्ट 505 डॉलर्स। अपने पे इतने पैसे हैंगे, लेकिन वेयर हाउस में हमारे 200 का, वेयर हाउस में 300 का, और अभी हम 2 का मंगा दे। तो मंगा भाई, ऑर्डर करो। इंसुलेंट वेयर हाउस कैपेसिटी फॉर स्टार्टिंग आर डिलीवरी। क्या अभी हम बस 200 का मंगा सकते हैं? तो ओके, हम अपनी ड्रिंक्स कट कर देते हैं, या यहाँ से कोई चिप्स कम कर देते हैं, कैंडी कम कर लेते हैं। 250 हो गया, और क्या करें, ड्रिंक्स मैं ये 2 मंगा लेते हैं, इनमें से हम कुछ कम कर लेते हैं। आई थिंक से मेरे को पॉपकॉर्न बस कम कर लेना चाहिए। अदर 200 हो गया, ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा? और कम करूं चिप्स में से, या भी और मंगा लेंगे, जाओ दोबारा ये ऑर्डर कर लेंगे। ओके, तो हमने थोड़ा बहुत ही सामान मंगाया था, तो अब हम दोबारा से और सामान मंगा लेते हैं जो हमने नहीं मंगाया था। जैसे हमने ये नहीं मंगाया है, और लोटो चोकोपा मंगा ली थी, ये पॉपकॉर्न मंगा लेते हैं, एक केक टाइप ये मंगा लेते हैं, और अपनी एक कैंडी मंगा लेते हैं। हमने 3 आइटम मंगाए थे, सॉफ्ट ड्रिंक में हमने बस 2 मंगाए थे, ये एक रह गई थी, ये मंगा लेते हैं, ये 2 थी अपने पे, और कोई चीज़ नहीं मंगाते। आइसक्रीम अभी हम रख नहीं सकते, क्योंकि अपने पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, और हमने आइसक्रीम का फ्रिज भी नहीं रख रखा, वरना हमारा ख़राब हो जाएगा सारा सामान। तो जल्दी से कुछ और भी यहाँ में से रख लेते हैं। क्या रखूँ, ये वाले ये भी रख लेते, चलो जल्दी से इन सबको ऑर्डर कर लेते हैं, सामान हमारा आता रहेगा। अच्छा, वो जो सामान आएगा हम तभी ऑर्डर कर पाएंगे, तो हमने ये अपना कार्ड के अंदर कर रखा है, अभी हम इसको ऑर्डर करके मंगा लेंगे। फ्यूल पे बंदा खड़ा है, पहले इसको फ्यूल दे देते जल्दी से। थैंक यू भाई, सबको थैंक यू बोलना, वरना तभी सब हमारे गैस स्टेशन पे आएंगे, वरना भाई कोई भी नहीं आएगा अपने गैस स्टेशन पे। वो भाई मैंने गेट खुला छोड़ दिया था, कदे वो चोर घुस जाए, वो कह रहे थे ना स्टीलर्स आ सकते हैं हमारा, चोरी कर सकते हैं सामान। तो यहाँ पे क्या काम है, वेट फॉर द डिलीवरी ट्रक टू एक्टिव देम टू अनपैक ऑल द प्रोडक्ट्स इनटू द वेयर हाउस। क्या खोलना है कोई इसमें? ओके, खुद उठा के रखना है क्या अपने को? किधर, इनमें तो रखना होगा। ओके, और भी ला, उठा उठा के ख़त्म। जा भाई, जाओ जाओ। देखो भाई, खुले गेट लेके जा रहा है। रिलीव द सेलर विद द प्रोडक्ट फ्रॉम द वेयर हाउस। अच्छा, अब हमको उधर जाके लगाना है सामान, तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ, यहीं से चल लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि हमारा स्टील चोर हो सकता है, हमारे सामान चोरी भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ टाइप गेम है, तो इसलिए हम सामान का भी अपना ध्यान रखेंगे, ताकि कोई चोरी ना कर ले। हम पहले अपना सामान लगा लेते हैं ना यहाँ पे, प्रोडक्ट जो हमने मंगाए हैं आगे सारे सारे लगा लो, आई थिंक सो लग जाने चाहिए सारे भी। और भी मंगाने हैं हमको, और मंगा लेते हैं, क्योंकि गाइस हमको सामान अपना स्टॉक भी पूरा ही रखना है, लेकिन ये तो पूरा ही भर गया। ले भाई सामान लो आप सब, सबके पास भाई सारी तरह की वैरायटियां और सामान होना चाहिए, प्रोडक्ट। किधर से? हाँ, इधर से आया था डिलीवरी से, तो मेरे को अब और सामान मंगाना था जो मैंने ऐड टू कार्ट करा तो था। 3 चीज़ें नहीं मंगाई मैंने बस, बाकी
ये चार चीज़ें मंगा ली, तो जल्दी से हम ये भी मंगा लेते हैं और ये भी मंगा लेते हैं, क्योंकि गाइस हमको अपना सामान बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने देना। ये महंगे वाले ड्रिंक्स मंगा के देखो, थोड़ी ये मंगा ही लेते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी लगा लेंगे, क्योंकि गाइस हमको सारी तरह की वैरायटीयां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी कस्टमर आएगा उसको सारी तरह की वैरायटी चाहिए। भाई 240 हो रहा है, तो कौन सा रखूँ, ये ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो टेस्ट में भी नहीं होगी, एक ही आएगी इन दोनों में से, तो ये वाली रख देते हैं, ये वाली मंगा लेते हैं वैसे। यस थैंक यू, सभी को भाई थैंक यू करते चलेंगे। हाँ सर रुकिए एक सेकेंड, आई एम सॉरी मैं ऑर्डर कर रहा था सामान, अब आप बताइए आपको क्या क्या लेना है। देखो गाइस हमने जो सबसे ज़्यादा मंगाया वो सामान बिक रहा है, ये वाली भी मैंने मंगाई है ड्रिंक, यानी हमने सामान अच्छा अच्छा मंगाया जो लोगों को चाहिए, तो अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमारा सामान नहीं बिक रहा, सामान हमारा सारा बिक रहा है। देखो ये भाई बहुत सारा सामान, यानी हमको अपना थैंक यू सुपर, तो भाई ये सुपर सुपर कर रहा है, बढ़िया बात है। वो कोई आना है, फ्यूल पे बंदा खड़ा है भाई, इतने सारे काम अगर हम अकेले करेंगे तो भाई कैसे चलेगा हमको। आई थिंक इसके अंदर क्या हम कुछ जना नहीं रख सकते क्या, जैसे कोई हम अपने पे कोई अपना हेल्पर रख ले जो हमारा काम करने पे, या एम्प्लॉय रख ले कोई जो हमारा सारा काम करे, और हम भी करेंगे लेकिन लेकिन एम्प्लॉय होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, कि जैसे अभी मैं इतना सारा नहीं कर पाऊँगा झटके में। थैंक यू, ये मैंने अभी भी और मंगाई थी, चलो बढ़िया। पहले फ्यूल पे कोई है तो यहाँ पे इनको फ्यूल दे लेते हैं, और जल्दी से देखते हैं। आई थिंक और सामान जो हमने मंगाया वो आ चुका है यहाँ पे, आ रहा हूँ भाई रुक जा। वेट सॉरी सर, थोड़ा सा कम डाल दिया बस मैंने गलती से, वो भी ये बंदा अपना अच्छा यहीं पर तो आएगा घूम के, मैं उल्टा जा रहा हूँ, अपने को इसके लिए खोलना पड़ेगा गेट, क्योंकि मैंने अभी अपना गेट बंद कर दिया था, क्योंकि भाई यहाँ पे चोरी हो रही है, तो इसलिए मैंने अपना गेट भी बंद कर दिया था। तो अब जल्दी से वाला गेट खोल लेते हैं और अंदर जाके, और भाई गैस स्टेशन भी हमारा अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, उसको भी क्लीन करना है ऐसे। भाई बेटा मिनट आओ, जल्दी जल्दी आओ, देखो गाइस मेरा कितना ज़्यादा हाथ सेट हो चुका है। थैंक यू, अपने वेयर हाउस में स्पेस है कि अपन इतना सामान रख सकते हैं। अपने वेयर हाउस के अंदर हम ऑलमोस्ट 500 का कुछ 500 कुछ वो होगा स्टॉक्स के हिसाब से, उतना सामान रख सकते हैं। बाय बाय, अब जल्दी से बंद कर लेते हैं और अपने गैस स्टेशन में जाके हम अपना सारा सामान लगा लेते हैं। जल्दी से गैस स्टेशन में चलते हैं, सामान लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। पिकअप द फोन, भाई उसी का आ रहा होगा, फ़ोन एक ही जने का आता है, जो हमको अगली बारी पीट के गया था, इस बार भी ना पीट दे, इसलिए हम जाएंगे नहीं उसके पास फ़ोन लेके। भाई सारे सामान लग गया, अच्छी बात है। क्या है भाई सामान मेरा, सामान लगाओ सामान, अभी एक बोतल क्यों नहीं रख पा रही है, आई थिंक तो स्टॉक फुल हो चुका है, अभी अपने पास ही रखते हैं। उठा रहा हूँ भाई फ़ोन, आ रहा हूँ मैं, रुक जाओ उठा रहा हूँ, पहले हम अपना कस्टमर देखेंगे, बाद में उस फ़ोन को देखेंगे, क्योंकि भाई उस बंदे ने हमको अगली बारी मारा था, बंदे भेजे तो उनने हमको मारने के, जबकि हमने उससे पैसे भी नहीं लिए थे, उसने खुद ही हमको गिफ्ट के तौर पे हमारा स्टॉक भर के दिया था, और फिर हमको धमकी दे रहा है कि तुमने मेरे को पैसे नहीं भेजे, बताओ ये गलत बात होती है। अब जल्दी से फ़ोन उठा लेते हैं, उसी का फ़ोन। See you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish, but my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy. You hear? Okay. ये हमको बता रहा है कि हमको अपने कस्टमर्स हैप्पी रखने, और उनकी भाई सारी जो हमको वो मेल्स करते हैं ना, जो जो अभी तक हम नहीं पढ़ रहे थे। भाई फ्यूल पे कोई है ही नहीं, अच्छा फ्यूल इज लो, अच्छा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। ओके मैं फ्यूल मंगा लेता हूँ भाई, ये भाई बढ़िया चीज़ है, हमको एंड टू एंड बताते रहते हैं।
तो हम पहले अपना फ्यूल ऑर्डर कर लेते हैं, 200 लीटर कुछ आता है। ओके थैंक यू भाई। अपने पे भी पैसे बिल्कुल भी नहीं है और हमको भाई पैसे कमाने हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा अपना वेस्ट कर दिया सामान ही सामान मंगाने में अभी, क्योंकि हमको इतना प्रॉफिट अभी तो नहीं होएगा। तो हम पहले जाके अपने मेल्स पढ़ रहे थे हैं, किसी ने मेल करा अभी हमें, मेल में कुछ काम की चीज़ है तो देखेंगे, वरना हम एवरल पॉपुलैरिटी। अच्छा अब हम ही अब जो हमारा गैस स्टेशन है उन लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है धीरे धीरे करके। और ये मेरे को कह रहा था कि टॉयलेट नहीं है ना हमारे गैस स्टेशन में, तो भाई हर जगह होता तो हमको भी अपने गैस स्टेशन के अंदर टॉयलेट बनवाना पड़ेगा। तो जल्दी से हम पहले यहाँ पे ही अपना फीचर्स में आ रहा है, टॉयलेट भी बनवा लेते हैं। अच्छा ये नहीं चाहिए, ओके टॉयलेट ये है क्या, ये और कुछ है? अच्छा पहले क्या बनवाना है बताओगे तभी तो। अच्छा पार्किंग भी लेनी है, अभी नहीं ले रहा मैं पार्किंग भाई, मेरे पैसा नहीं है अभी। मैं टॉयलेट बनवा सकता हूँ क्योंकि हमारे पास टॉयलेट अभी है नहीं, तो एक टॉयलेट बनवा दिया मैंने अभी। तो बात हुई पार्किंग की, पार्किंग आ जाएगी, अपने पे पैसे हैं आई थिंक सो, तो नहीं होंगे। 399 है, 368 डॉलर्स है अभी, तो जने आ रहे हैं तो हो सकता है 399 डॉलर्स अभी हमारे हो जाए, क्योंकि हमको भाई प्रॉफिट कमाना है तो हमको भाई थोड़ा लॉस भी झेलना पड़ेगा। तो पैसे हमारे पे अभी तो नहीं होंगे भाई, बंदा आया फ्यूल स्टेशन में, इनको भाई पैसे देते हैं आई थिंक सो, अंकल जी भरवा लेना बहुत सारा कि हमारे सामान आ जाए। थैंक यू 377 हो जाएगा भाई, चलो अपना सामान आ जाएगा। अब जल्दी से हम अपना पार्किंग की एक और नई जगह ख़रीद लेंगे जल्दी से। और भाई हमको बहुत ज़्यादा काम भी करना है और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो रही है धीरे धीरे। टॉयलेट वॉयलेट बना के ये फ्यूल भरता रहेगा अपने आप पर चला जाएगा। तब हम अपना पहले क्या फ्यूल नेक्स्ट टू स्टेशन, तो क्या आपने को पार्किंग खरीदनी थी ना फीचर्स में? अच्छा भाई पार्किंग खरीद लेते हैं हम अभी अपने लिए। लो भाई अच्छा रूडी, अब हमको अपने रूडी का काम लेना पड़ेगा, पहले हमको मिट्टी हटानी है उधर से। तो रूडी में आई थिंक से पेट्रोल तो नहीं होगा क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीता है चाहे जो मर्जी, लेकिन भाई काम भी अपना वो बहुत ही ज़्यादा करता है। तो हम जल्दी से अपने रूडी के अंदर देख लेते हैं हमको कितना पेट्रोल लाना है, ये लेके चलते हैं भर के लेके चलते हैं पेट्रोल अपने रूडी में डालने के लिए। तो अब जल्दी से चलते हैं, कस्टमर देख लेंगे। और भाई WC क्या है? वॉशरूम, अब हमको वॉशरूम भी अपना खुद ही क्लीन करना पड़ेगा। अरे यार भाई क्यों गंदा हो रहा है, पहले मैं वॉशरूम नहीं क्लीन कर रहा अभी, रुक जाओ गाइस। हम पहले अपने रूडी के साथ मिट्टी उठा के वो पार्किंग खरीद लेते हैं क्योंकि हमको भाई कस्टमर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पे कस्टमर्स नहीं आ रहे अभी, हमको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे करके, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अब जल्दी से हम अपनी रूडी में बैठ के फटाफट से अपना काम कंप्लीट करते हैं सारा सारा धीरे धीरे करके। भाई रूडी में फुल पेट्रोल है, देखते हैं इस पेट्रोल में कितना काम करेगा, आई थिंक से तो ये अभी ख़त्म हो जाएगा इसका। उठा रूडी, उठा ही नहीं रहा, उठा लिया वो, दो बारी लेके जानी पड़ेगी उठा के, अब हल्की कम हुई है, खत्म हो जाएगा पूरा पेट्रोल चूस जाएगा रूडी। ओ भाई 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 खच 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 पीछे कर भाई, रूडी को संभाल के चलाना है, इतना भारी भरकम है ना चल उठेगा भी नहीं, क्रेन बुलानी पड़ेगी अगर ये नीचे गिर गया तो इसको भी भाई रूडी को भी ध्यान दी, क्योंकि अपने पे एक ही रूडी है बस, और ये पता नहीं कितना महंगा आएगा। ये हमको अपने गैस स्टेशन के साथ मिला है 300 तो। जल्दी से चलो पीछे रूडी, उस वाले को भी हम उठा लेते हैं धीरे जल्दी से जाके, अभी वैसे कोई है नहीं कस्टमर, और अभी फ्यूल पे है कोई बंदा खड़ा हुआ, अभी उस पर चल लेंगे।
पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और ये सारी मिट्टी भी अभी को उठानी है। जब हम खोलेंगे ये सारी पार्किंग ऑन करेंगे हम तब चला देंगे। कस्टमर्स तो आ ही रहे हैं। चलो हो गया। रूडी के टायर तो आगे घूम नहीं रहे लेकिन टर्न कैसे ले रहा है ये बता सकते हैं? कमेंट करके बताना। मेरे को तो भाई दिख ही नहीं रहा इसका टायर क्योंकि टर्न कुछ हो ही नहीं रहा। ये गड्ढा भर क्यों रहेगा? हमने रूडी को वहीं पे जाके पार्क करके आते हैं। भाई देख लो गाइस अभी अभी फुल टंकी थी ना आपके सामने ही है, आधी से ज़्यादा टंकी पी गया। अब बता भाई इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं निकालते और चलाते फिराते भी नहीं क्योंकि इसकी खुद की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है। लेकिन तब भी भाई देखो कितना ज़्यादा पेट्रोल पीता ही है। सर इसलिए हम इसको बहुत ही कम चलाते हैं अपने रूढ़ी को। जल्दी से जाके इसको खड़ा ही कर देते हैं भाई। पूरा मैंने कहा था ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा इसका पेट्रोल। भाई पेट्रोल तो वैसे पीता पानी की तरह। टैंक की रूढ़ी पर भाई थोड़ा कम पेट्रोल कर दे यार इतना मैं पी कर। तो पहले जाके भाई कस्टमर्स को देख लेता फटाफट वरना हम पे पैसे नहीं आएगा। जैसा कि ऐसे लोग देख सकते हो अपने पे बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जल्दी से सर थैंक यू आने के लिए गैस स्टेशन पे सामान लेने के लिए। जल्दी से अब इनको सामान दो। पॉपकॉर्न सही है मंगा लिया वापस। लोग आ रहे पॉपकॉर्न मांगने ज़्यादा। ये मैं ना सब लोगों के डिमांड देख रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है। ये ज़्यादा अभी तक पसंद आ रहा है लोगों को। एक क्या है केक टाइप है कुछ आई थिंक तो ये ज़्यादा अभी तक पसंद आ रहा है। और ये वाली ऑरेंज टाइप की तो नहीं लेकिन मैंने पॉपकॉर्न और ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। थैंक यू सर आने के लिए। ओ भाई देखो इन्होंने अपने को थम्स अप दिया तो ऐसे हमको सबसे थम्स अप कमाना है तभी हमारा काम हो पाएगा क्योंकि इस गेम के अंदर थम्स अप का काम है। क्योंकि जब ये हमको थम्स अप देंगे तभी जाके आगे जाके किसी को बताएंगे कि ये गैस स्टेशन है उधर जाके जाओ वहाँ पे बड़ी अच्छी सर्विस मिलती है। तो थैंक यू सर आपको भी सुपर। अभी हम थम्स अप पे फर्स्ट लेवल पे 20% लोगों ने अभी तक हमको थम्स अप दिया है। थैंक यू आपने भी थम्स अप दे दिया। भाई हमको सबसे ही थम्स अप कराना है। क्लीन अप द टॉयलेट विद अ ब्रूम। पहले हम पार्किंग खरीद लेते हैं गाइज वन मिनट फीचर्स में जाके क्योंकि अभी हमने अपनी पार्किंग को क्लीन करा है तो हम अपनी पार्किंग खरीद लेते हैं क्योंकि तभी हम पे लोग ज़्यादा आएंगे। थैंक यू पार्किंग को भी देने के लिए जबकि पैसे हमारे लगे हैं और सफाई भी हम ही कर रहे हैं। हमको भाई कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा गंदगी फैलती है ना पूरा हमारा गैस स्टेशन भी अभी आप देख रहे थे क्लीन था। आप देख लो आधा भी रह चुका है पूरा साफ करना पड़ेगा। ये भी आई थिंक तो कोई जना गया है। थैंक यू गिरने के लिए नीचे। ओके कर लेते हैं। थैंक यू। अभी देखो भाई को टॉयलेट में जा रहा है। ओए ओए चलो भाई यानी टॉयलेट इस्तेमाल कर ले लोग हमारा। थैंक यू। ये घड़गड़ घड़गड़ की आवाज़ की आ रही थी तब चलते जल्दी से अपना टॉयलेट हमने क्लीन कर ही लिया है। फ्यूल पे वाले बंदों को फ्यूल दे लेते हैं। अभी हम पे 180 लीटर फ्यूल पड़ा है। भाई ये बंदा लेके जा रहा है ये कहीं दूर से आ रहा होगा। अच्छा कोई आंटी है तो सॉरी आंटी आपको अंकल बोल दिया तो थैंक यू। अब ब्रूम लगा के यहाँ पे झाड़ू भी लगा लेते हैं क्योंकि गंदगी तो अब देखो क्योंकि हमने पार्किंग ज़्यादा करी है तो अब लोगों पे पार्किंग ज़्यादा हो चुकी है तो अब लोग भी ज़्यादा हम पे आएंगे तो हमको अपने गैस स्टेशन की ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आई थिंक सो तो है इसमें कुछ एम्प्लॉय वाला। ओ भाई अचीवमेंट अनलॉक डट स्टेशन नॉट हेयर बढ़िया बात है।
और थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने सामान तो ले ही लिया है, तो अब इनको मना nice भी तो नहीं कर सकते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपको भी। इनको पुलिस सर को तो दे ही देते हैं, अरे केस वेस कर दे अपने पे, ये अपने को उठा उठा के ले जाएं। थैंक यू सर। अब जल्दी से बताओ, अचीवमेंट अनलॉक स्किल टू प्ले द बिल्स। ओके, गैस स्टेशन ऑफ। तब हमने अपना गैस स्टेशन ऑफ कर दिया है गाइस। अब जल्दी से जाके देखते हैं अपने को क्या और कुछ क्या, और कुछ अभी कुछ नहीं करना। जाओ 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 जाओ, गैस स्टेशन इज क्लोज। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों ने हमारी आज वाली वीडियो के अंदर देखा, आज हमने अपने गैस स्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया अपने गैस स्टेशन। हमने टॉयलेट लगा लिया है और हमने अपने वेयर हाउस को अपग्रेड कर लिया है, और हमने अब और हमको एक और नई चीज़ पता चली है जो हमने को जो हाउडी था उससे अब हमने दोस्ती कर ली है। पहले हमारी उससे लड़ाई हो गई, तो हमने छोड़ा छोड़ो लड़ाई लड़ाई क्या करेंगे, अब जल्दी से उससे दोस्ती कर ली। और उससे हमको एक चीज़ बताई कि हम लोगों को जितना अच्छा ट्रीट करेंगे हमको उतना ज़्यादा थम्स अप देंगे। अब वो हमको जितना ज़्यादा थम्स अप देंगे उतना ज़्यादा हमारा गैस स्टेशन पॉपुलर होगा। तो इसलिए आज हमने अपने कस्टमर को अच्छा ट्रीट करा, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करी और उनको अच्छी जल्दी जल्दी से सामान दिया। तो आज हमने अपने गैस स्टेशन के थम्स अप लेवल को टू कर लिया। और पहले हमारा वन था, वो वन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, थम्स अप लेवल कोई आता ही नहीं था हमारे गैस स्टेशन पर। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है हमारे गैस स्टेशन में कि हम बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, हम एक भी जगह से बिल्कुल नहीं हिल पाते। सो गाइस, आज वाली वीडियो के इतना ही। अगर आपको वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी जो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, आप उधर जाके मेरे को फॉलो कर लेना। सबसे पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे ही मैं अपना अपडेट देता हूँ, तो आप जल्दी से जाके मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस, अब आपको मिलेंगे एक और नई बढ़िया सी गैस स्टेशन की वीडियो के अंदर। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।